आपने भी इस बारे में काफी जगह बात भी की है, हिंदी फिल्म्स में काफी तौर पे वो शायद हम अपने, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, रूट्स को, या हम कहीं, मैं एकदम ब्लंटली बोलूँ, हिंदुत्व को या अपने स्पिरिचुअल या रिलीजन को, ऐसा नहीं है कि बाकी रिलीजन की मैं थोड़ा उनको कम देख रहा हूँ, लेकिन हम अपने रूट्स को थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, या हम डरते हैं कि नहीं ये थोड़ा सेक्युलर रखना ज्यादा जरूरी है। सर एक कल्चर तो चल रही है सर आज सारे देश में, वो पॉलिटिकली करेक्ट। सो पॉलिटिकली करेक्ट डजंट मीन दैट यू नो हम किसी को डिमीन करें, किसी को नीचा दिखाएं। हम आई थिंक एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, एंड आई थिंक द करेंट जनरेशन व्हिच इज देयर बीइंग दे हैव टू लाइक यू नो रियलाइज, दे आर रियलाइजिंग दैट यू नो इंडिया कम्स फर्स्ट, आवर कंट्री कम्स फर्स्ट। एंड आई हैड मेनी कॉन्वर्जेशंस विद अ लॉट ऑफ यंग पीपल एंड दे आर ऑफ द सेम थॉट्स। सो या सो आई थिंक वी मेड अ फिल्म नॉट जस्ट for any religion, any culture. We have made a film which is talking about our Indian, because sir, India was not made in 1947, sir. 1947 was the shape which is not taken, is not now, sir. We're talking about Ramaraj, which extended from Greece to Indonesia. Bharatavarshya, Bharatakande. So this knowledge has to be given to the younger generation who's constantly on WhatsApp or you know, we don't even spend time with our older people, sir. And right, this is not coming from a veteran, this is coming from a young boy. That is what the today's youth is. They are relating to it. आज हमारी फिल्म देखने के लिए कार्तिकेय 2 या कश्मीर फाइल, कार्तिकेय 2 खासकर, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट पर है, यूथ जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है, हम देखना चाहते हैं इस फिल्म को। सर आपसे और अभिषेक, आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि पिछली फिल्म भी आप लोग ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जो हमारे देश की, हमारी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से सामने लेकर आ रही है, जो लोगों के दिल में एक अलग जगह कर गई, कुछ ऐसी चीज जो हमारे देश की थी लेकिन लोगों को उस तरीके से पता नहीं थी, आज की पीढ़ी को शायद वो चीज नहीं पता थी, और आप तो खुद बीइंग कश्मीर पंडित उस चीज को जानते हो। यहाँ पर भी जैसे कार्तिकेय है, कार्तिकेय 2, उसमें हम अपने रूट्स पर जा रहे हैं, हम अध्यात्म के जरिए, हम अपने हिंदुत्व के जरिए, सनातन धर्म के जरिए जो हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, पहले ऐसा होता था कि हमारे जो रूट्स थे, हमारे स्पिरिचुअलिज्म थी, रिलीजन थी, उस पर काफी कुछ काम करते थे, अब वो काफी सालों से थोड़ा भटक गए थे, आपको ये सबको मैं पूछना चाहता हूँ, ये लगता है मुझे वो भटक गए थे या क्या थे मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरा दिल ये बोलता है कि मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे भारत के लिए जो सही है वो बाहर आना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों घर घर तक पहुंचना चाहिए। तो मैं जितना मेरे से हो सकता है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटे से हैदराबाद से आता हूँ, तो जितना मेरे से हो सक रहा है और जनता का प्यार मिल रहा है, जितना जनता का प्यार मिलेगा मैं उतना आगे बढ़ूंगा, मैं वही बोल सकता हूँ। मुझे लगता है किसी भी देश का सिनेमा उस देश की संस्कृति, कोई भी उसकी, हमारे यहाँ तो बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे फोक फॉर्म्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारा खाना है, हम अपने देश की इज्जत हर किस्म के सिनेमा पर, हम अपने देश के कल्चर के साथ जब कभी फिल्म बनाएंगे जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी है, नॉट मैं एंटरटेनिंग फिल्में भी बन सकती हैं। अब गंगू भाई एक पर्टिकुलर लेडी के ऊपर आधारित थी, और संजय लीला बंसाली बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरती से बनाई थी, उसी जगह आप देख लीजिए भूल भुलैया एंटरटेनिंग थी, लोगों का दिल उसमें लगा। तो जहाँ तक हिंदुस्तानी फिल्मों की कहानी, कहीं ना कहीं हमको अपना सच दिखाना चाहिए, जो अच्छा सच है, जो हमारे को महसूस कराए कि या वाह, वी बिलोंग टू दिस कल्चर, वी बिलोंग टू दिस कंट्री, हाउएवर एंटरटेनिंग इट इज़। पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम बीच में थोड़ा भटक गए कि हम थोड़े हॉलीवुड के कलोन्स बनने की कोशिश की है। हर आदमी अपने आप को क्विंटन टैरेंटिनो समझने लगा, जबकि हमारे यहाँ बी शांताराम से लेकर यश चोपड़ा से लेकर बिमल रॉय से लेकर गुरुदत्त से लेकर सब मानिकदा से, मतलब जो हमारे सत्यजीत रे से लेकर साउथ के राजा मौली सर, कितने कमाल के डायरेक्टर, इनकी खासियत क्या है, इन्होंने ओरिजिनल अपने कन्विक्शन की फिल्में बनाई, फिर बीच में सडनली कुछ वो आ गया कि कुछ ऐसा आ गया, वो उनको सूट करता है, अमेरिकन कल्चर वैसा है, उनको ठीक लगता है, जिसमें मैं भी हिस्सा रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं भी लगता है कि मैंने भी एक फिल्म की थी महादेव, जिसमें मैंने अपने मुंह में रुई डाली, इधर डाली, और मैं मार्लन ब्रांडो की तरह बात करने लगा था। बट एक्चुअली व्हाट वर्क्स, व्हाट वाज सो अमेजिंग अबाउट हम आपके हैं कौन, लोगों को लगा गए तो शादी का वीडियो है, द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर।
दिल वाले दुल्हनिया लेके ले जाएंगे, एक नया थॉट लेकर आया, 90s के यूथ का थॉट लेकर आया, यू अंडरस्टैंड। तो ये सब बहुत जरूरी है, कभी कभी अपने देश के कल्चर को समझना जरूरी है। सेलिब्रेटिंग और सेलिब्रेट, या